हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ चीज़ वेज सैंडविच। वैसे सैंडविच काफ़ी टाइप की और काफ़ी उसकी वैरायटी होती है, पर आपके साथ मैं जो यहाँ पर शेयर कर रही हूँ वो है चीज़ वेज सैंडविच। ये काफ़ी इजी है इसको बनाना और झटपट बन जाती है और काफ़ी फीलिंग और यम्मी लगती है। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक बॉल लिया है, तो उसके अंदर मैंने कैबेज ऐड कर लिया है, कैप्सिकम, टमेटो, प्याज, तो आपको ना बारीक नहीं चॉप करना है, पनीर बस एकदम नॉर्मल वाला जो हम चॉप करते हैं ना बस वैसे ही करना है। तो यहाँ पर रेड चिली सॉस है तीखापन के लिए, और यहाँ पर केचप मैं ऐड कर रही हूँ। तो सारी चीज़ें आपको ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, मैंने कितना टीस्पून यूज़ किया है, यही ऑरेगानो और कौन सी वेजेस यूज़ किए हैं, और आप अपने पसंद के हिसाब से इसके अंदर और भी वेजेस ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको कोई पसंद ना हो तो यहाँ पर आप स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो इस तरह से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैं सॉल्ट ऐड करूँगी, क्योंकि वेजेस के अंदर जब आप पहले से सॉल्ट डालते हैं ना तो वो पानी मॉइस्चर जो होता है ना वो रिलीज़ कर लेता है, तो बाद में ही डालें। तो देखो यहाँ पर मैंने ब्रेड ले ली है, आपको जो भी चाहे आपको पसंद की कोई भी ब्रेड ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने नॉर्मल वाली जो ब्रेड आती है वही ले ली है, और यहाँ पर जो चीज़ है वो मैं दोनों साइड पर हमें लगा लेना है। तो यहाँ पर चीज़ आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मोज़रेला है, चीज़ स्लाइस है, चेडर आता है, जो भी आपका पसंद का हो वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। बट ये जो स्प्रेड चीज़ होता है ना, तो वो काफ़ी मतलब उसको मेल्ट का होने का कोई वो होता नहीं है कि कब होगा मेल्ट, और ये काफ़ी मतलब बस गर्म होते ना तो समझ लो बन गई, बस ऐसा होता है। तो देखो यहाँ पर मैंने जो चीज़ स्लाइस है ना, सॉरी हमारे जो ब्रेड स्लाइस है, जो चीज़ जिस पर हमने लगाया था, तो उसकी उसके ऊपर मैंने यहाँ पर वेजेस सारे स्प्रेड कर लिए है, जो हमारा वेज मिक्स बनाया था वो, और अच्छे से उसको इवनली सब स्प्रेड कर लेंगे सारे वेजेस को। तो इस मेजरमेंट के हिसाब से मेरी 3 सैंडविच बनी थी। तो बस आपको जो भी आपके घर के मेंबर हो उस हिसाब से आप क्वांटिटी मेजरमेंट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो देखो यहाँ पर मैंने दूसरी भी ब्रेड स्लाइस ले ली है, और उस पर भी मैंने चीज़ स्प्रेड कर लिया है, और यहाँ पर मैं वेजी स्प्रेड कर रही हूँ। तो देखो है ना, बहुत ही खूबसूरत, यमी और झटपट बनने वाली रेसिपी। तो मुझे तो जब भी खाने का मन करता है ना सैंडविच, तो मैं ये बस घर वाली यही खाती हूँ। मैं लगभग बाहर का तो अवॉइड ही करती हूँ, घर में सब चीज़ें बना के ही खाती हूँ, और आप भी यही करिए, क्योंकि बाहर का इतना अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पर जो सैंडविच बनाता है वो मैंने ले लिया है, अगर आपके पास सैंडविच मेकर हो तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑयल मैंने ग्रेस कर लिया है, आप चाहे तो यहाँ पर बटर भी ग्रेस कर सकते हो, बट इसको मैंने लेस ऑयल के अंदर बनाया है, तो मैंने बहुत ही कम ऑयल इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो अपने पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने अपनी सैंडविच रख दी है, तो बस उसको एक तरफ से सेकने देंगे, तो अच्छे से ब्राउन कलर आ चुका होगा। हाँ, बहुत ही अच्छे से ब्राउन कलर हो चुका है हमारे यहाँ पे, और दूसरी साइड भी हम उसको अच्छे से सेक देंगे। तो देखो बहुत मस्त और ब्राउन कलर हो चुका है दोनों साइड पर। तो बस अब हमें कुछ करना नहीं है, उसको हम साइड में निकाल लेते हैं, और हमारे इसी तरह से हमारे दूसरी सैंडविच भी मैं रेडी कर लूँगी। तो है ना बहुत ही आसान। तो इस रेसिपी को आप अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए, और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट में शेयर कीजिए, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो देखो मैंने उसको कट भी कर लिया है, और देखो कितनी मस्त यमी लग रही है, तो काफ़ी फीलिंग है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।